जब हमने ये शो ज्वाइन किया था मतलब बहुत रोलर कोस्टर राइड था, पता नहीं था कि क्या होने वाला है और बहुत प्रेशर था, लेकिन थैंकफुली गॉड्स ग्रेस ग्रैटिट्यूड हमने बहुत अच्छा अचीव किया. ऑडियंस का व्यू और ऑडियंस का इतना सारा प्यार मिला हम लोगों को, थैंक यू सो मच फॉर दैट. जब आप कोई शो स्टार्ट करते हैं एपिसोड बढ़ते जाता है 100, 200, 500 तो क्या लगता है कितना प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर, क्योंकि ऑडियंस इतना आपको पसंद करने लगती है, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, तो क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली प्रेशर तो रहता है शुरू शुरू में, बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि एक नया शो होता है, एक नया एनवायरनमेंट होता है और आप वो कैरेक्टर होते नहीं हो, उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढलना पड़ता है. और आई वुड थैंक टू माई डायरेक्टर्स, बोथ द डायरेक्टर्स, जिन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत सिखाया मुझे और नाहर के कैरेक्टर को बिल्ड किया हमने एंड लोगों ने भी बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच. जब आप दोनों का फर्स्ट इंटरेक्शन रूही, सो रूही के साथ मेरा पहला मॉक शूट था इधर ही सेट पे ही था पहला मॉक शूट और बहुत क्यूट सा मतलब ऑडिशन मॉक शूट था. सो आवर मुझे देख के ही अच्छा लगा कि हमारी केमिस्ट्री ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी, जो कि हुआ ही. शूट के दौरान मेमोरीज तो बहुत सारी होंगी, या बट कोई एक मेमोरी जो आपको याद हो? द मोमेंट आई शेयर्ड विद माय डायरेक्टर्स एंड माय को स्टार, स्पेशली आशी जो मेरी भांजी प्ले करती है, उसके साथ मेरे शो सीन्स जो होते हैं बहुत मतलब मेमोरेबल रहते हैं, बहुत क्यूट स्वीट रहते हैं. ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग तो सबने देख ही रही होगी, ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग हम कुछ जानना चाहेंगे, सर कौन मजा किया ज्यादा आप या रूही? ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग अलीशा भाई, मैं सबसे ज्यादा मस्ती अगर किसी बस किसी के साथ करता हूं, शी इज द वन, शी इज माय, शी इज प्लेइंग माय सिस्टर अवनी. हाय दिस इज अलीशा एके अवनी नहार की बहन. हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, या वी चिल अ लॉट. क्या कहना चाहेंगे अवनी जी आप? वी आर सो हैप्पी कि हमारे 800 एपिसोड पूरे हो गए. हम लोग आई थिंक 210 कितने एपिसोड्स हमने शूट किए साथ में, बट बहुत मजा आया सेट पे. यहां पे बहुत अच्छा माहौल है, बहुत मेहनत करते हैं, आपको कितना प्यार दे रहे हो व्हिच इज अमेजिंग, सो कीप लविंग अस. हम 800 से 1000 पहुंचेंगे आप लोग के साथ. या इट्स बीन 7 मंथ्स और पता नहीं चला कैसे हो गया, और एवरी डे इज सो रिफ्रेशिंग, हर दिन इतना फ्रेश फील होता है, उतनी ही एनर्जी के साथ हम लोग हर सीन करते हैं, हर दिन की शुरुआत वैसे ही करते हैं जैसे रेगुलर करते हैं. या इट्स सुपर फन. फैंस को यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सारा मोहब्बत देने के लिए, सराहने के लिए, मतलब अनबिलीवेबल है एक्चुअली. मतलब सीजन 1 के बाद सीजन 2 के कोएक्टर्स को, एक्टर्स को मतलब एक्सेप्ट करना इट्स बहुत बड़ी बात है, और इतना सारा प्यार देना. एंड आई वुड से कि मैं सबको
रिप्लाई नहीं कर पाता ऑन इंस्टाग्राम जैसे अपनी और मैं देखते हैं हाँ। काफी लोग गुस्सा हो जाते हैं, प्लीज आप गुस्सा मत करना, मैं ट्राई करता हूँ सबको रिप्लाई करने का, लेकिन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ आवर हेक्टिक शेड्यूल, बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एवरीवन। या वी लव यू राजी जाते थे। एक चीज और जानना चाहेंगे, आपके माइंड में कोई ऐसा एपिसोड है जो आपने शूट किया और किसी घर वाले ने या फ्रेंड्स ने या फैमिली ने देखा हो हाँ। और आपको डीम से मैसेज किया हो, यस वेरी गुड, स्पेसिफिकली जो हार्ट ब्रोकन सीन्स होते हैं, जो मेरे सोलो सीन्स होते हैं जिसमें मैं रूही के लिए बहुत परेशान हूँ, वो सीन्स के लिए बहुत मुझे डीएम्स आते हैं। एंड स्पेशली रूही के साथ जो रोमांटिक सीन्स होते हैं उसके लिए मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आते हैं। न्यू ईयर का एक सीन था यहाँ पे जिस टाइम पहली बार मैं रूही से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, इजहार कर रहा हूँ प्यार तो नहीं बस फ्रेंडशिप, जैसे हम लोग फ्रेंडशिप बैंड वो पहनाती है, वो वाला सीन बहुत मेमोरेबल था, उसके लिए काफी सारे डीएम्स आए थे मुझे। फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे।